नमस्कार दोस्तों, आराध्य की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो है छेने के रसगुल्ले। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हम छेने के रसगुल्ले कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसके लिए इसकी चाशनी तैयार करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक भगोना रखा है और इसमें ये लगभग मैं 1.5 कटोरी चीनी ऐड करूँगी और इसमें लगभग मैं 1.5 कटोरी ही मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और अब मैं चाशनी को पकने के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा चीनी जो है वो उबाल आ गया है और मैं इसमें लगभग ही 1/2 स्पून ये इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से इसी तरीके से पकाते रहेंगे। तो अब हम इसकी हमने गैस की फ्लेम कम कर दी है। अब हम रेडी करते हैं इसका छीने का रसगुल्ले के लिए कौन। तो ये देखिए, ये अब हमारा ये रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको इस तरीके से इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर देखेंगे। ये देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है, इसमें क्रैक नहीं आ रहा है। तो अब हम अपनी चाशनी अब देख लेते हैं, हमारी चाशनी कितनी रेडी हो गई है। इसके लिए हमें एकदम टाइट चाशनी नहीं चाहिए, इसके लिए हमें हल्की ही चाशनी चाहिए। तो अभी हमारी चाशनी रेडी नहीं हुई है, अभी ये और पकेगी लगभग हम इसे 5 से 7 मिनट और इसको तेज फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए, अब हम छेने के रसगुल्ले बनाएंगे। ये लगभग हमारा 1.5 किलो दूध था, तो 1.5 किलो दूध जो है उसमें से हमने इस तरीके से जो फटा हुआ दूध है वो इस तरीके से निकाल कर अलग कर लिया है और उसको हमने छान करके इस तरीके से अलग करके रख लिया है। इसमें से सारा पानी हम निकाल चुके हैं। अब इसमें लगभग में, अगर आपके पास आरारोट है तो आप आरारोट यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास आरारोट नहीं है तो आप मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। हम इसमें लगभग थोड़ा सा मैदा यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करूँगी और इसको मैं इस तरीके से अच्छे से इसको मैं पूरा मिक्स कर लूँगी। हमें इसको तब तक मिलाना है जब तक इसकी गोलियाँ बिल्कुल एकदम सॉफ्ट गोलियां रेडी ना हो जाए बिना किसी क्रैक के। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बस हमें इसे लगभग ऐसे ही गूंथते रहना है और इसका हमें एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेना है। देखिए, अब हम छेने के रसगुल्ले बनाएंगे। ये लगभग हमारा 1.5 किलो दूध था, तो 1.5 किलो दूध जो है उसमें से हमने इस तरीके से जो फटा हुआ दूध है वो इस तरीके से निकाल कर अलग कर लिया है और उसको हमने छान करके इस तरीके से अलग करके रख लिया है। इसमें से सारा पानी हम निकाल चुके हैं। अब इसमें लगभग में, अगर आपके पास आरारोट है तो आप आरारोट यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास आरारोट नहीं है तो आप मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। हम इसमें लगभग थोड़ा सा मैदा यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करूँगी और इसको मैं इस तरीके से अच्छे से इसको मैं पूरा मिक्स कर लूँगी। हमें इसको तब तक मिलाना है जब तक इसकी गोलियाँ बिल्कुल एकदम सॉफ्ट गोलियाँ रेडी ना हो जाए बिना किसी क्रैक के। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बस हमें इसे लगभग ऐसे ही गूंथते रहना है और इसका हमें एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, जितना भी हमारा टो ये रेडी है, इससे हम इसी तरीके से छोटी छोटी गोलियां रेडी कर लेते हैं। हम इतनी छोटी गोलियां बनाएंगे क्योंकि जब ये हमारी चाशनी में ऐड होगी तो इसके अंदर जो वाटर, जो चाशनी है चीनी की, वो फिल हो जाएगी और ये हमारे एकदम सॉफ्ट और बहुत बड़े साइज़ के हमारे रसगुल्ले रेडी हो जाएंगे। तो हम इसे इस तरीके से, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। और हमने और भी टाइप्स के वहाँ पे रसगुल्लों की रेसिपी डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके आई बटन पर क्लिक करके और आप हमारे उस पर रेसिपी देख सकते हैं रसगुल्लों की। हमने और भी रेसिपी डाली हुई है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे इसी साइज के रसगुल्ले रेडी कर लेंगे।
तो ये देखिए ये हमारी चाशनी जो एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमने बॉल्स बनाई हैं ये अब हम धीरे धीरे करके अपनी चाशनी में, ये देखिए जो हमने रेडी करी हैं बॉल्स, देखिए ये जो हमारी बॉल्स हैं जो रेडी हैं, अब हम इसको एक एक करके इसमें ऐड करेंगे सारी बॉल्स को। हमने गैस की फ्लेम कम कर दी है, तो अभी हम सारी जो और बाकी भी हमारे बॉल्स बचे हुए हैं उसको भी हम इसी तरीके से सारी बॉल्स को इसमें ऐड कर देंगे।